जनपद एटा जिलाधिकारी डॉक्टर विभा चहल ने बताया कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु 35 घंटे का कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है। कोरोना कर्फ्यू के समय आवश्यक सेवाओं, पंचायत चुनाव से जुड़ी पोलिंग पार्टियों, निर्वाचन से जुड़े अधिकारी व कर्मचारियों, स्वास्थ्य सेवाओं, सफाई आदि से जुड़े हुए कर्मियों के अतिरिक्त कोई अन्य आगमन की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि शहर एवं ग्रामीण क्षेत्र में मास्क की अनिवार्यता सुनिश्चित करवाई जाए। इसका अनुपालन न करने पर पहली बार 1000 रुपए और तथा दूसरी बार अधिकतम रुपए 10000 रुपए तक जुर्माना किया जाए। मास्क की अनिवार्यता सुनिश्चित करना संबंधित थानों के थाना अध्यक्ष का सीधा उत्तरदायित्व रहेगा। और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। निकलते समय मास्क जरूर पहनना है। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए सभी लोग वोट डालेंगे। आपको यह भी ज्ञात होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने शनिवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक पूरे 35 घंटे के लिए पूरे लॉकडाउन का, संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान किया है, जो 15 मई तक चलेगा। आपको यह भी अवगत कराना है कि इसमें चुनाव से संबंधित जितनी भी कार्रवाइयां हैं वो प्रभावित नहीं होंगी इस जनपद में। इसलिए मेरा आपसे पुनः निवेदन है कि कोरोना से लड़ने के लिए सामाजिक दूरी का पालन करें, मास्क जरूर पहनें। मास्क न पहनने पर 1000 रुपये का चलान किया जाएगा और मास्क अगर यदि आपने दोबारा नहीं पहना दूसरी बार चलान पर ये जो वसूली की जाएगी फाइन की, वो 10000 रुपये तक जा सकती है। इसलिए आप से पुनः निवेदन है कि इस मास्क की महत्ता को समझें, इसको जाने कि यही आपको जो है इस महामारी से बचा सकता है। हमें एक दूसरे को ये बीमारी पास ऑन करने से जो रोक सकता है वो एक मास्क ही है और सोशल डिस्टेंसिंग है, यानी कि सामाजिक दूरी। इसलिए आपसे निवेदन है कि इन सभी प्रक्रियाओं का पालन करें, क्योंकि अब सरकार का रवैया भी इस पर और अति सख्त होता जा रहा है, क्योंकि कई लोगों की जान इस बीमारी की वजह से जा चुकी है और अब ये बीमारी छोटे बच्चों को भी ग्रसित करने से नहीं छोड़ रही है। छोटे बच्चों का भी बहुत ख्याल रखना है हमें। और उसके अलावा इसमें मोर्टालिटी रेट, यानी कि मृत्यु की दर है, वो बढ़ गई है। ये एक विषम परिस्थिति हो गई है, विकट परिस्थिति हो गई है। इसलिए हम सबको साथ मिलकर इसमें कदम से कदम मिलाकर एक दूसरे का सहारा बनते हुए एक कलेक्टिव रूप में कार्यवाही करनी होगी। इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एटा नगर पालिका का भी एक नंबर, जिसमें आप सैनिटाइजेशन इत्यादि से संबंधित कोई भी अगर जानकारी, सुझाव या शिकायत दर्ज करना चाहते हैं तो वो उस नंबर पर कर सकते हैं। नगर पालिका की टीम तुरंत आपके पास आएगी। उसके अलावा इसी तरह के कंट्रोल रूम्स बाकी सभी नगर पालिकाओं में स्थापित किए जाएंगे। एटा की नगर पालिका का नंबर है 233534, यानी कि 233534। इस नंबर को याद रखें और कोई भी शिकायत हो सैनिटाइजेशन से संबंधित या होम आइसोलेशन से संबंधित तो ज़रूर जानकारी दें और सभी साथ मिलकर चलें, नियमों का पालन करें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।